ड्राइविंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इस व्हीकल की कीमत, तो फिलहाल ब्लैक कलर का जो N160 आया है उसके लॉन्चिंग इवेंट के लिए आए थे, और मनीष भाई हल्का से जला के बताना, तो सामने की ऑफकोर्स आप इससे वाकिफ है, साइड में ग्लेंस अट्रैक्टिव है, जला के बताने से मतलब हेडलाइट्स तो ये वाला अट्रैक्टिव पोर्शन लगता है थोड़ा सा एक ग्लेंस में, और बाकी जैसे दोनों है तो अभी इसको रिवील करेंगे, इसके बाद लेट्स सी कि बाहर निकालते हैं तो कैसा ग्लेंस दिखता। सो व्लॉग के तौर पे क्विक ग्लेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की N160। अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हैं, बट सबसे पहला जो एक कंसरेबल टर्म है कीमत, तो मैं उससे आपको वाकिफ करा देता हूँ। तो इस व्हीकल की कीमत 1,60,000 मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ रही है, आपके स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट एक लमसम समझने के लिए कितने कीमत पे ये मिल रही है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो लगभग 164.8 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इसमें मिल जाता है, जो कि गजब का 16 bhp पावर और 14.62 के अराउंड टॉर्क ये निकाल के दे देता है। अब इस पावर के हिसाब से ये गाड़ी एक परफेक्शन साबित होता है, जस्ट बिकॉज इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है। ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऑफकोर्स आप इसके हेडलाइट से वाकिफ है, बट ये ग्राफिक्स में साइड में जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है सामने के हेडलैम्प्स में, जो कि दोनों साइड है। वहीं पर जैसे साइड के अगर टैंक के बारे में बात करूं, तो इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में आपको ग्लॉसी और जो हल्का सा मैट फिनिश है उसका एक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। नीचे साइड आप देख रहे होंगे तो यहाँ जो टिप पॉइंट से शुरुआत इसकी हो रही है और वो यहाँ तक जा रहा है, अभी टैंक के हाफ पॉइंट तक यहाँ तक कट रहता है, और ये जो है कटिंग ये मैट फिनिश में आपको मिल जाता है। वहीं पर जैसे ग्लॉसी टच का देख रहे होंगे ना, तो ये पोर्शन भी अट्रैक्टिव है, और मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से इसके आप बता देता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पोर्शन से आप वाकिफ हैं, जिसमें ये जो सेंटर पोर्शन है ये एनालॉग फॉर्मेशन पे, ये डिजिटल पे दिया हुआ है, जिसमें ये पोर्शन कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, कौन से गियर में सेट है, टाइमिंग और कितना फ्यूल है, साथ ही साथ ऊपर ABS और इंडिकेटर अगर मैं ऑन करूँ तो यहाँ इंडिकेशन मिल जाता है। वहीं पर जैसे नजरों को मैं हल्का सा नीचे घुमाऊं तो ये वाला सेक्शन आ जाता है जो कि टैंक का है, और टैंक में मिक्स मैच कॉम्बिनेशन आपको ये ग्लॉसी टच और ये मैट फिनिश का एक टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाता है देखने को। फिर जैसे यहां पर मैं बताऊं, सीट की कंफर्टेबिलिटी है, सॉफ्ट पैटर्न में आपको मिल जाएगा, और ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, तो ग्रिपिंग का फायदा ये हो जाता है कि कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्प्लिट सीट के साथ मिलता है, तो ये जो ना पोर्शन आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट मिल जाएगा, जिसमें ऊपर पल्सर लिखा हुआ है, और वहीं अगर मैं बैक लैम्प्स की तरफ जाऊं तो बैक लैम्प्स आपको कुछ इस फॉर्मेशन का मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इसमें बल्ब फॉर्मेशन मिलते हैं, बट हाँ अगर अच्छे से LED देते तो ज़्यादा बेहतर होता, और अगर नॉर्मली मैं इसे चालू करके जलाता हूँ तो इंडिकेटर्स का ये बल्ब फॉर्मेशन थोड़ा सा शैबी लगता है, बट ओवरऑल अगर ये LED फॉर्मेशन में रहता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। बट एक क्विक लेंस में अगर ये ब्लैक कलर देखेंगे तो ओवरऑल अट्रैक्टिव है हर पैमाने पे, बट इसके कंपेरेबली अगर आपको दूसरा कलर भी कोई अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओवरऑल डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका है, बट ब्लॉग के तौर पे एक क्विक ग्लैंस में कवर करना था, तो ये थोड़ा खूबसूरत से अभी भिलाई आए थे टहलने, तो वहां पर ये गाड़ी दिखी, और पीछे वाला ये वाला खूबसूरती पोर्शन, तो मैंने बोला कुछ एरिया कवर कर लिया जाए, तो लमसम ये कवर करके कुछ ये ग्राफिक्स के साथ ब्लैक कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी जैसे ओवरऑल और डिटेल्स लेने हैं कि सामने डिस्प्ले कितना है, टायर सेक्शन कितना कवर है, जैसे 100x80 17 इंच के सामने दिए हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी पूरा बता चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, और मेरा जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चैनल है जो विजिल मिलियंस के नाम से है उसमें मैंने बाकी चीज कवर कर दिया। अब मेन मैं खिलाड़ी से मिलाता हूँ, और वो है भैया, तो भैया ने फाइनलाइज किया है, आर्मी से है, और कहाँ बटालियन पोस्टेड भैया, और क्यों फाइनल किया ये वाला भैया? ये तो फर्स्ट बात तो ये है कि फैमिली के लिए भी चल जाता है, फैमिली बैठा सकते पीछे में, बच्चे हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, पतले लोग हैं तो आराम से बैठ सकते तीन लोग, है ना। और कलर कैसा लगा? कलर तो बढ़िया लगा इसका, क्योंकि एक ही कलर आया शायद। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बजाज को क्यों फाइनल किए? वो तो उनके पास भी था, वो बोला मैं भी ले लेता हूँ, अच्छा लगता था मेरे को, पसंद है पहले से। अच्छा, भैया के जो दोस्त हैं, बोलने का तात्पर्य वो भी आर्मी से हैं और उनके पास भी बजाज था, दैट्स व्हाई दे फाइनलाइज, एंड इट हैज अ मॉडर्न लुक और मॉडर्न अट्रैक्शन के हिसाब से एक और बजाज कलेक्शन फ्रेंड सर्कल में, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो ये था क्विक ग्लेंस, आने वाले समय में कभी इसका और कुछ बनता है तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ।